नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कोचगांव कन्वर्सेशन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, रात के 11 बज चुके हैं और पटना के गांधी मैदान में जनविश्वास महारैली का की तैयारियां की जा रही है। स्टेज मंच बन गया है, मंच के साथ साथ आप देखिए कितने बेहतरीन तरीके से मंच का निर्माण कराया गया है। दो मंच बने हैं, एक मुख्य मंच है और एक दूसरा मंच है जो आप मेरे इस साइड पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये डी एरिया का निर्माण किया गया है जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज रहेंगे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बाहर सामने का कैसा नज़ारा होने वाला है। यहाँ पे कुछ वीआईपी चेयर्स और इसके बाद आपको लगभग गांधी मैदान के अंतिम छोर तक व्यवस्था की गई है। आप देखिए चारों तरफ सीपीआई, राजद और कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है। यहाँ लोग काम करते हुए, सभी लोग काम कर रहे हैं और रात भर में इनको ये पूरा मंच तैयार कर देना है। कल यहाँ जनविश्वास महारैली होगी। आपको बता दूं कि 10 दिन तक तेजस्वी यादव ने बिहार के 40 लोकसभा पे जाकर और लोगों का जन समर्थन लिया और उसी और सभी को निमंत्रण भी दिया था कि आप सभी लोग 3 मार्च को पटना में पहुंचे महारैली में। और आप देखिए जैसा कि ये मंच है, जो मुख्य मंच है, यहाँ पे आप देखिए महागठबंधन की निशानी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल, राजद, सभी पार्टियों का जो चुनाव चिन्ह है वो यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि ये महागठबंधन की रैली है, ये जनविश्वास रैली है। तेजस्वी यादव पूरे जनविश्वास यात्रा, चाहे वो जनसभा कर रहे थे या रोड शो कर रहे थे, सभी जगह वो यह बात जरूर कह रहे थे कि चाचा तो पलट गए, चाचा ने धोखा दे दिया, लेकिन कि चाचा तो पलट गए, चाचा ने धोखा दे दिया, लेकिन अब हम बीजेपी के रथ को बिहार में रोकेंगे। जिस तरह से आडवाणी की रथ यात्रा को हमारे पिताजी लालू प्रसाद यादव ने रोका था, अब तेजस्वी प्रसाद यादव बीजेपी के जीत की रथ को बिहार में रोकेंगे। और ये तमाम तैयारियां हो रही हैं। कल का दिन राजद और महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। आप देखिए कि और इसके साथ साथ जैसा कि उन्होंने अपनी हर एक रोड शो और जनसभाओं में कहा था कि सभी लोग 2 तारीख को ही पहुंच जाइए, तो अभी आपको हम लेकर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एमएलसी क्वार्टर्स में, एमएलए क्वार्टर्स में, वेटनरी मैदान में समर्थक आज ही पहुंच चुके हैं। वो रात भर रुकेंगे और कल महारैली में हिस्सा लेंगे। हम लोग आपको उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे, वहाँ भी ले चलेंगे। फिलहाल आप देखिए कि गांधी मैदान में क्या तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ जो भी कार्यकर्ता है उनको जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, जो भी व्यवस्था है उसकी उसका जायजा लेते हुए, और ये मंच बहुत ही विशाल मंच बनाया गया है। और कल इस मंच पे राहुल गांधी भी कांग्रेस से आएंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, तेज प्रताप यादव होंगे, लालू प्रसाद यादव इस मंच पे आएंगे। अपनी जनसभाओं में तेजस्वी यादव जब जनता का संबोधन करते थे तो वो कहते थे कि पिताजी को किडनी का ऑपरेशन हुआ है, उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को किडनी दी है, उनका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं रहता है, इसीलिए वो जनविश्वास यात्रा का हिस्सा नहीं बने हैं। लेकिन आप सभी लोग 3 मार्च को पटना आइए और पटना में वो सभी आपको, लालू प्रसाद यादव भी हैं कल रैली को संबोधित करेंगे, तेजस्वी यादव भी करेंगे और राहुल गांधी भी आने वाले हैं, राहुल गांधी भी जनविश्वास महारैली का संबोधन करेंगे।